कुंभ राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्र राशि पर आधारित साप्ताहिक राशिफल की, साथ ही साथ इसका जो समय रहेगा 22 नवंबर से 23 नवंबर तक के लिए ये राशिफल रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले 22 और 23 नवंबर की। 22 और 23 नवंबर को चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपके राशि स्थान से राशि स्थान में ही रहेंगे। तो राशि स्थान में चंद्रमा का होना आपके लिए थोड़ी सी भावुकता को बढ़ा देगा, आपके मन में थोड़ी सी कल्पनाशीलता को बढ़ा देगा। साथ ही साथ आप अपने आप को लेकर या आप अपने जीवन साथी को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर थोड़े से ज़्यादा चिंतित नजर आएंगे। मन में विचारों की प्रधानता रह सकती है और ऐसे विचार जो आपको सेंसिटिव बना दें, जो आपको भावुक कर दें, ऐसे विचार आपको ज़्यादा आएंगे और थोड़ा सा मन का जो कंसंट्रेशन है वो भी आपका बिगड़ सकता है। तो ये जो समय है वो आपको मानसिक शांति के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो आपको इस समय में बहुत ज़्यादा मानसिक शांति मिलेगी। तो आप अपना ध्यान एक जगह कंसंट्रेट करने की कोशिश जरूर करें, जिससे आपको इस गोचर का और इसका जो फल मिलेगा उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। साथ ही साथ राशि स्थान में चंद्रमा का होना आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। कोई भी निर्णय आप करेंगे तो उसमें आप सफल होंगे। कोई भी काम से संबंधित, कोई महत्वपूर्ण काम है जो आपको फ्यूचर में करना है और उससे संबंधित आपको निर्णय अभी लेना है, तो आप वो निर्णय जरूर ले लें। और पिछले कुछ दिनों में आपको स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं रही हैं, इस समय में उनका निपटारा हो जाएगा। आपने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जो आपके लिए सही नहीं रहे हैं, आपके लिए गलत डिसीजन गए हैं, बहुत ज़्यादा गलत गए हैं, उनको अब आप इस समय में सुधार सकते हैं। तो ये समय बहुत ज़्यादा बेहतर कहा जा सकता है। चंद्रमा यहाँ से आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। सप्तम भाव पर दृष्टि डालने से मैरिड लाइफ के लिए ये समय उचित रहेगा। साथ ही साथ आप इस समय में अपने बिजनेस को लेकर या आप किसी की भलाई के लिए, आप लोगों की सहायता के लिए कोई काम करते हैं, आम जन की सेवा करते हैं, तो आपके लिए उचित सहयोग भी आपको मिलेगा। तो ये गोचर आपके लिए निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। साथ ही साथ जो स्थिति बनेगी 24 और 25 नवंबर को, चंद्रमा एक राशि आगे बढ़कर आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, जहां ये मीन राशि में रहेंगे। मीन राशि में चंद्रमा का आना ये दिखाता है कि आपको धन लाभ अवश्य होगा और धन को आप संचित रूप में रख पाएंगे, आप धन की बचत कर पाएंगे। आप इस धन को अगर खर्च करना चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप अपनी फैमिली पर ही खर्च करेंगे, आप अपने खान पान पर भी खर्च कर सकते हैं। साथ ही इस समय में आपकी जो वाणी है उसमें मधुरता रहेगी और आपकी वाणी की मधुरता की वजह से बहुत सारे लोग और आपके फैमिली के लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेंगे। तो ये समय बहुत अच्छा है और चंद्रमा यहाँ से अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे। अष्टम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि होने से आपका मन किसी भी प्रकार के ऐसे अकल्ट साइंस से जुड़े हुए कार्यों में रहेगा जिससे आपको लाभ हो। साथ ही साथ चंद्रमा का अष्टम भाव को देखना कुछ एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस बना सकता है। आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो ये कहा जा सकता है कि आपके लिए कुछ अच्छे रिजल्ट जरूर चंद्रमा यहाँ पर लेकर आएंगे। साथ ही आपको प्रॉपर्टी का कोई लाभ हो सकता है, आपके इन लॉज से आपको सफलता जो है निश्चित है। आप किसी भी, आपके जो इन लॉज हैं उनसे कहीं ना कहीं आपको धन मिलने की इस समय में चांसेस रहेंगे, या आपको प्रॉपर्टी वगैरह जैसे कामों में भी सहायता कहीं से मिल सकती है। साथ ही अचानक कोई ऐसी घटना घट सकती है या अचानक कहीं से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, जो आपके लिए आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा शुभकारी रहेगी, लाभप्रद रहेगी। तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं और एक राशि आगे बढ़कर मेष राशि में जो चंद्रमा का गोचर रहेगा उसकी बात करते हैं। मेष राशि में चंद्रमा 3 दिन के लिए रहेंगे, 26, 27 और 28 नवंबर को। इन 3 दिनों में चंद्रमा तृतीय भाव में आपके लिए रहने वाले हैं। तृतीय भाव में रहने से कुछ यात्राएं आपको अवश्य करनी पड़ेंगी, इन यात्राओं से आपको लाभ भी होगा और आप अपने पड़ोसियों से, अपने भाई बहनों से अच्छे संबंधों को शेयर कर पाएंगे। साथ ही उनके साथ किसी प्रकार का आपका मनमुटाव चल रहा था तो वो दूर होगा। चंद्रमा के तृतीय भाव में होने से ये स्थिति हम बहुत अच्छी कह सकते हैं, यात्राओं से लाभ होने ही वाला है। साथ ही आप मीडिया से जुड़े हुए हैं या किसी ऐसे पब्लिकेशन के काम से जुड़े हैं, या आप वाणी के माध्यम से, अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से कोई काम कर रहे हैं, तो आपको सफलता निश्चित ही मिलने वाली है। चंद्रमा यहाँ से 9th हाउस को देख रहे हैं। 9th हाउस पर दृष्टि डालने से आपको किसी बड़े बुजुर्ग की जो सहायता है,
या उनकी कोई ऐसी सलाह है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेगी। आप अपने जो बुजुर्ग लोग हैं परिवार में उनसे सलाह ले सकते हैं, आप अपने गुरुजन से सलाह ले सकते हैं, या आप अपने फादर से भी इस समय में सलाह ले सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी सुप्रद रहेगी, लाभकारी रहेगी। इस समय में जो स्टूडेंट हैं उनको विशेष लाभ होगा, क्योंकि आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आप अपनी हायर एजुकेशन में आगे से आगे बढ़ पाएंगे। तो हमेशा इस प्रकार ही अगर आगे बढ़ना है तो आपको समय का सदुपयोग करना होगा और मेहनत आपको अवश्य करनी होगी, तभी आप इस गोचर का पूरा लाभ उठा सकते हैं। साथ ही चंद्रमा का नवम भाव को देखना कुछ लंबी दूरी की यात्राओं के चांस बनाएगा, कुछ धार्मिक यात्राओं के चांस भी आपके बनेंगे। तो ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस गोचर का आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप फायदा ले पाते हैं। साथ ही साथ ये समय आपके लिए थोड़ा सा मेहनत करने का भी रहेगा, तो मेहनत जरूर कीजिए। और साथ ही जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके लिए यात्राओं का थोड़ा सा ज़्यादा जो है यहाँ पर चांस बन सकता है, क्योंकि आप अपना जो डेली का काम है उसको संभालने के लिए इधर से उधर जा सकते हैं। तो ये जो 3 दिन का समय है 26, 27 और 28 नवंबर का, ये विशेष रूप से बहुत ज़्यादा अच्छा रहने ही वाला है। साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंद्रमा के वृषभ राशि में गोचर की। वृषभ राशि में चंद्रमा अंतिम 2 दिनों 29 और 30 नवंबर को रहेंगे। यहाँ पर चंद्रमा का राहु के साथ होना थोड़ा सा मन को परेशान जरूर करेगा, लेकिन आपके लिए ये स्थिति, क्योंकि यहाँ पर जो है चतुर्थ हाउस में बन रही है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति कही जाएगी। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है, साथ ही कहीं दूर जाने का चांस भी आपको मिल सकता है घर से, या घर से दूर रहते हैं तो वापस भी आ सकते हैं। ये समय आपके लिए विशेष, जो लोग अपना घर बनवाना चाहते हैं या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई काम को आपको सफल बनाना है, तो ये समय काफ़ी उचित कहा जाएगा। चंद्रमा और राहु दोनों ही आपके दशम भाव को देख रहे हैं। इस समय में अगर आप पहले से ही किसी जॉब में हैं तो जॉब को चेंज बिल्कुल भी ना करें, और आपको हो सकता है कि जिस जॉब में आप हैं वहीं पर आपको कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट लग सकता है या कोई अच्छी आपको सहायता मिल सकती है किसी से। साथ ही आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं अगर, तो आप आने वाले समय में चेंज कर सकते हैं अपने जॉब को। साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए अपने बॉस के साथ संबंध ये अच्छे रखने का समय रहेगा, और आपको उनसे बहुत अच्छी सलाह मिलेगी। काम को आगे बढ़ाने के लिए आप उनकी मदद जरूर करेंगे, और आपको कोई नई जिम्मेदारी भी आने वाले समय में सौंपी जा सकती है। तो ये समय बहुत ही अच्छा कहा जाएगा, बहुत ही उपयुक्त कहा जाएगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। साथ ही साथ ओवरऑल ये समय आपके घर के वातावरण के लिए भी अच्छा रहेगा। घर में आपकी माता जी को कोई समस्या चल रही थी, हेल्थ की प्रॉब्लम थी, तो वो दूर हो जाएंगे और घर का वातावरण आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून देगा। साथ ही अगर आप घर से दूर रहते हैं तो आप इस समय में घर जाने का प्रयास करेंगे, घर से जुड़ने का प्रयास अवश्य करेंगे, तो ये समय बहुत ही उचित आपके लिए रहेगा। तो ये पूरा जो सप्ताह है अगर देखा जाए तो आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट लेकर इस सप्ताह में चंद्रमा आने वाले हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है आप इसका कितना फ़ायदा उठा पाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कुंभ राशि वालों के लिए शुभ अंक और रंग की। आपके लिए इस वीक में शुभ अंक रहेगा 4 और आपके लिए शुभ रंग रहेगा व्हाइट यानी सफ़ेद। तो फिलहाल बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।